नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 का रिटर्न हमें 31 जुलाई 2024 के पहले फाइल करना होगा। अब इस इनकम टैक्स रिटर्न को हम ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर भी फाइल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन करके हमारा ITR प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी होना आवश्यक है और साथ ही इनकम टैक्स का पोर्टल भी अच्छे से काम करना आवश्यक है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऑफलाइन यूटिलिटी में हम हमारा ITR प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे वैलिडेट करके उसकी JSON फाइल क्रिएट करके उस JSON फाइल को हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो यह हम लोग देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की ITR की ऑफलाइन यूटिलिटी हम कैसे डाउनलोड करें और उसे कैसे इंस्टॉल करके ओपन करें। तो इसके लिए हमें यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा और यहाँ आने के बाद यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड्स वाला, इसके अंदर हमें जाना होगा। अब यहाँ से असेसमेंट ईयर 2024-2025 लेना होता है जो कि डिफॉल्ट आ जाता है। अब यहाँ इसके नीचे हमें ITR की यूटिलिटी दिखाई देती है। यह एक कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी के अंदर हम ITR 1 से लेकर ITR 4 तक प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे फाइल को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पर हमारा ITR प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद अगर किसी को एक्सेल यूटिलिटी में अपना ITR फाइल करना है तो यहाँ अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे, ITR 1, ITR 2, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर भी ITR प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हमें यूटिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ एक यूटिलिटी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ हमारे ITR की यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ एक zip फाइल डाउनलोड हुई है। इस zip फाइल को हमें अनजिप कर लेना होगा, उसे कर लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें एक एप्लीकेशन फाइल दिखाई देगी, इस एप्लीकेशन फाइल पे हमें क्लिक करके इसे रन कर लेना होगा। अब यह फाइल इंस्टॉल हो रही है। अब यह हमारे ITR की यूटिलिटी इंस्टॉल हो चुकी है। इसका शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप के ऊपर मिलेगा, तो यह डेस्कटॉप के ऊपर यह शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यह यूटिलिटी ओपन हो चुकी है, यह कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा, इसके बाद इसे ओके करना होगा। अब यह फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम हमारा ITR फाइल कर सकते हैं। अब यह इसके बाद हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके वहाँ से प्रीफिल्ड डाटा फाइल डाउनलोड करनी होगी। इस प्रीफिल्ड डाटा फाइल को यहाँ इस यूटिलिटी में इम्पोर्ट करना होगा, जिससे टैक्स पेयर की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फॉर्म 26AS और AIS में जो जानकारी है वो जानकारी यहाँ इम्पोर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ एक प्रीफिल डाटा फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, अब इसे मैं इसके अंदर इम्पोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ इम्पोर्ट प्रीफिल डाटा के ऊपर मैं टिक कर लूँगा, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पैन नंबर एंटर करना होगा, इसे भी एंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ वो जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसे ऐसे अटैच कर लेंगे। अब यह प्रीफिल डाटा फाइल जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यह हमें टैक्सपेयर की डिटेल्स दिखाई देगी, इसके बाद यहाँ फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब इसके बाद इस ITR को भरने की सारी प्रोसेस वैसी ही है जैसी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके हमारा ITR भरते हैं। तो यह इसे कंटिन्यू करके हमें यहाँ पे ITR को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना होगा, सारी जानकारी भर लेनी होगी, उसे वैलिडेट करना होगा और उसे वैलिडेट करने के बाद जब सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसे हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके अपलोड कर सकते हैं या इसी यूटिलिटी से हम डायरेक्टली
इनकम टैक्स के पोर्टल पर उस आईटीआर को अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आपको आईटीआर की ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी और उसमें आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।